नमस्कार दर्शकों, मैं अक्षा और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखते हैं आज की खास खबरें। केंद्र सरकार ने बच्चों को निशाना बनाने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर काबू पाने के लिए शुक्रवार को नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत किसी प्रोडक्ट की खरीद पर फ्री में दूसरा प्रोडक्ट देने वाले विज्ञापन पर रोक रहेगी। किसी विज्ञापन में स्वास्थ्य से जुड़ी गलत जानकारी देने पर कंपनियों के साथ साथ एड में दिखने वाले एक्टर पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों पार्टियों पर पहली बार 10 रुपए जुर्माना लगता है, साथ ही नियम तोड़ने पर 50 लाख तक का भी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। साथ ही विज्ञापन बनाने वालों पर भी 3 साल का बैन लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने बच्चों को निशाना बनाने वाले भ्रामक विज्ञापनों पर काबू पाने के लिए शुक्रवार को नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत किसी भी प्रोडक्ट की खरीदी पर फ्री में दूसरा प्रोडक्ट देने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है। किसी विज्ञापन में स्वास्थ्य से जुड़ी गलत जानकारी देने पर कंपनियों के साथ एड में दिखाने वाले एक्टर पर भी सख्त कार्रवाई होगी। दोनों पार्टियों पर पहली बार 10 लाख रुपए जुर्माना लगा सकते हैं। बार बार नियम तोड़ने पर जुर्माना 50 लाख तक हो सकता है। साथ ही साथ विज्ञापन बनाने वाले पर भी 3 साल का बैन भी लगाया जा सकता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि ऐसे विज्ञापनों पर नजर रखी जाएगी कि कहीं इनके जरिए झूठे वादे और मूर्ख तोड़ नहीं बनाया जा रहा है। किसी प्रकार का लालच देकर प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी करने वाले तरीके पर भी रोक का प्रावधान है। साथ ही किसी भी प्रोफेशनल को स्वास्थ्य संबंधी प्रोडक्ट का विज्ञापन करने की अनुमति नहीं होगी। आग में दिखने वाले एक्टर पर भी होगी सख्त कार्रवाई। बार बार नियम तोड़ने पर लग सकता है 50 लाख का जुर्माना। विज्ञापन बनाने वाले पर भी लग सकता है 3 साल का बैन। अगर कोई सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करता है या उसके फायदे बताता है तो पहले उसे इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जो फायदे वह बता रहा है उसको भी वह फायदा मिल चुका है। इसी तरह अगर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में सेलिब्रिटी की कोई हिस्सेदारी है तो उससे वह जानकारी देनी होगी। विज्ञापन से बच्चों के संवेदनशील मन पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर भी देख सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर।